ना लास्ट टाइम हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो इसके बाद जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन का जो लास्ट हमारे पास है वो है एडिशन ऑफ वाटर। ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड ऑफ व्यू से, ये मुख्तलिफ एंगल से ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास पूछा जाता है। जैसे यही रिएक्शन हमारे पास इस तरह पूछा जाता है, हाउ यू कन्वर्ट द अल्काइन इनटू एल्डिहाइड, आप किसी भी अल्काइन को एल्डिहाइड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यही रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि आप किसी भी अल्काइन को कीटोन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी अल्काइन को आप लोग एल्डिहाइड के अंदर ले जा सकते हैं या आप लोग उसको कीटोन के अंदर ले जा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग एक बात और मैं बता दूं, जो भी हमारे पास अल्काइन है उनमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इथाइन है, जो फर्स्ट मेंबर हमारे पास इथाइन है, जो अल्काइन ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है जिसको हम एसिटाइलीन बोलते हैं, उसका जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ वही जो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड के अंदर। बाकी रिमेनिंग जितने भी अल्काइन हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं कीटोन के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास वो बात करते हैं कि इसको आपने एल्डिहाइड के अंदर जाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी अल्काइन जो है वो सिर्फ इथाइन ही यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड के अंदर जाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए जी, हम लोगों के पास ये इथाइन है, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइन होता है, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, तो क्या होना है, मार्कोनी एडिशन होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का काम यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का काम यहाँ पर प्रोटोन को डोनेट करना है, क्योंकि हमें इसके लिए प्रोटोन की एक्सेस चाहिए होती है। तो प्रोटोन को डोनेट करवाने के लिए, इस वाटर को आयनाइज करवाने के लिए और ज्यादा आयनाइज करवाने के लिए हमें इस एसिड की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो हम इसको जब यूज करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये CH2 सिंगल डबल यहाँ से एक जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोक्सिल है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, विनाइल अल्कोहल। मैंने आपको बताया था कि इस वाली जो लिंकेज है इसको आपने याद रखने है, जब भी ये वाली हमारे पास लिंकेज आएगी आप उसको जो नाम देंगे वो हमारे पास क्या होगा, विनाइल होगा। और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पे है, तो ये विनाइल अल्कोहल। ये जो हमारे पास विनाइल अल्कोहल है ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर ये होता है, ये इनोल भी बोलते हैं, इस फॉर्म के अंदर ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसको हम लोग क्या करने के लिए, क्यों अनस्टेबल होता है, उसकी भी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर आप इस कार्बन के साथ देखें तो इस कार्बन में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C और फिर आगे इसके साथ हाइड्रोजन है और इसके साथ क्या है, O और H है। ये जो कार्बन है, एक तो ये यहाँ पर पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर मौजूद है ये वाले, या इसके साथ अगेन यहाँ पर लोन पेयर है, ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है, ये बहुत ज्यादा इसको अनस्टेबल बना देता है। ये अपने आप को फिर क्या करता है, रीअरेंज करता है। रीअरेंज किस तरह करेगा, ये इस तरह करेगा, यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये H जो है द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा। ये जो यहाँ पर जब इस कार्बन के पास यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के टू ये वाले और टू ये वाले और एक ये 5 बॉन्ड होने बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाती है, इसलिए ये अपना एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगी। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन को यहां से पिक कर लेगा, तो ये CH2 जो हमारे पास साथ में क्या आ गया, CH3 डबल बॉन्ड यहां पर बन गया, और ये हाइड्रोजन किसने पिक कर लिया, ये हम इसको जरा इस तरह इस फॉर्म में शिफ्ट करेंगे, ये यहां पर आएगा इधर, क्योंकि इस कार्बन के पास पहले ही बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा और ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ठीक है जी। तो ये इधर और ये इधर, तो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन इसको क्या कर लेगा, ये पिक कर लेगा, तो ये CH3 सी डबल बॉन्ड O और H। ये जो फंक्शनल ग्रुप जो किसका है, एल्डिहाइड का है, तो ये हमारे पास जो पूरे का पूरा है ये CH3 सी डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं एस्टरएल्डिहाइड। तो देखिए हमारे पास अल्काइन से जो हमारे पास इथाइन था हमने क्या बनाया, एस्टरएल्डिहाइड बनाया। सेम है, जब मैंने यहाँ पर प्रोपाइन लिया है, वाटर की एडिशन करवाएंगे, हमारे पास मार्कोनियम के मुताबिक ये जो हाइड्रोजन है ये उसके पास जाएगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये H इसके पास आ गया, तो CH2 ये OH इसके पास आ गया, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो सेम है, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, H इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा और ये बना देगा CH3। तो अब जो मर्जी आप यहाँ पर अब इथाइन के अलावा जो मर्जी आप लोग अल्काइन लेंगे उससे आपके पास हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा।
तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अल्काइन की मदद से एल्डिहाइड में भी जा सकते हैं और अल्काइन की मदद से आप लोग कीटोन में भी जा सकते हैं अगर आप वाटर को ऐड करते हैं। इसमें बस ये जो स्टेप है ना, इसमें हमारे पास टाटोमराइजेशन होती है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल, चैप्टर 7 लास्ट एसोमेरिज्म हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन का शिफ्ट होना एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, टाटोमराइजेशन बोलते हैं। तो ये टाटोमराइजेशन यहां पर ये एग्जांपल भी उसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। हम पहले हाइड्रोजन साइनाइड को देखते हैं, तो देखिए जी हमारे पास हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, यहां पर साइनाइड पार्शियली नेगेटिव, मार्कोनी एडिशन होगी, यहां पर हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, साथ में का CN ग्रुप इसके कार्बन के पास आ गया, तो ये हो गया। इस ग्रुप को मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विनाइल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विनाइल, और ये साइनाइड है तो हम इसको क्या बोलते हैं, विनाइल साइनाइड। एक बात याद रखिएगा कि हम लोग कॉमनली जो हमारे पास ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिनके साथ हमारे पास साइनाइड ग्रुप आता है उनको हम लोग एक जनरल जो कॉमन नाम देते हैं उनको हम लोग नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नाइट्राइल्स। तो यहां पर हमारे पास इसको हम लोगों ने जो नाम दिया हुआ है वो हम लोगों ने नाम दिया हुआ है एक्रिलो नाइट्राइल्स। इसका नाम क्या हो गया, एक्रिलो नाइट्राइल्स। ये नाइट्राइल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें साथ में साइनाइड ग्रुप है, या सिंपली विनाइल साइनाइड इसको बोलते हैं। उसके बाद यहां पर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया यहां पर क्या करता है, अमोनिया यहां पर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को यहां पर, इसमें क्या होता है, यहां पर मैकेनिज्म हमने डिस्कस नहीं करना, इसमें क्या होगा कि ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहां से शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, यानी कि ये कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसके दरमियान, आपने जब ये रिएक्शन करना है तो क्या करेंगे, सिंपली आपने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जितने कार्बन यहां पर है वो आपने बाकी मेंशन कर देने, तो यहां पर एक कार्बन रस्सी पूरी कर दे तो ये क्या बन जाएगा, CH3। तो वही हमने किया है, इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस नहीं करना, सिंपली हमने क्या करना है, कार्बन कार्बन के दरमियान वाला ट्रिपल बॉन्ड को हमने कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बना देना है, बाकी रस्सी हमने इसके साथ पूरी कर देनी है। तो इसका नाम क्या होगा, या तो हम लिख दें इसको मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, मैंने बताया इनको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, तो ये असिटो नाइट्राइल, असिटो एसिटेन जो हमारे पास एसिटाइलीन, तो असिटो नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो रिएक्शन देते हैं हमारे पास अल्काइन, वो है ऑक्सीडेशन। जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन हैं, जो भी चाहे वो अल्केन है, चाहे वो अल्कीन है, चाहे वो अल्काइन है, जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनको हम बर्न करते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, या अगर हम जो हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन है तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और क्या बनाते हैं, हीट, जिसको हम हीट ऑफ कंबस्टन भी बोलते हैं, जो वहां से क्या होती है, रिलीज होती है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन को हम जब ऑक्सीजन के में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट वहां से क्या होगी, एलिमिनेट होगी, जिसको हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां पर हमने क्योंकि इथाइन को बर्न करना है द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में वाटर और साथ में क्या बनेगा, हीट बनेगा। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस किस तरह करते हैं, यहां पर हमने देखा कि मेरे पास जो कार्बन आए वो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कितनी आ रही है, 2 और 1, ये 3 आ रहे हैं, यहां पर मेरे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। फिर मैं यहां पर देख रहा हूं हाइड्रोजन यहां पर बैलेंस है, ये हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन की मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहां मैं कार्बन देख रहा हूं 2 है, तो यहां पर कितनी है, 1 है, तो यहां पर मैं लगा लेता हूं जी 2। अब कार्बन जब मैंने कंप्लीट किए हैं तो यहां पर देखें ऑक्सीजन कितनी हो गई है, 2 2s are 4 and 1 5। अब यहां पर ऑक्सीजन आप देखें तो यहां पर कितनी खड़ी है, 2 खड़ी है। हम इसको जरा बैलेंस करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं 5/2। अब देखिए ये 2 से 2 काट जाएगा तो हमारे पास वही काम आ गया जो हमारे पास। अब देखिए सारी कार्बन कितनी है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन कितनी है, 2 2s are 4 and 1 5, यहां पर भी कितनी है, 5। अगर आप इस 2 को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस पूरी जो हमारे पास इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 2 के साथ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 5O2, साथ में क्या आ जाएगा, ये 2 2s are 4 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर, और हीट जो है वो हमारे पास जो रिलीज हो रही है वो हमारे पास उस तरह निकलेगी। ये जो रिएक्शन है इसकी मौजूदगी में जो ये हमारे पास हीट निकलती है ये अल्किन और
अल्केन की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसकी हीट ऑफ कम्बस्टन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो ऑक्सी एसिटाइलीन फ्लेम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पास वेल्डिंग के पर्पज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें यही काम हो रहा होता है, इसको बर्न हम कर रहे होते हैं, और इस बर्निंग के नतीजे में वो हमारे पास क्या बन रही होती है, हम वेल्डिंग के पर्पज को उसमें जो हीट निकल रही होती है उसको हम उसके यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के मौजूदगी में इसको क्या करना, बर्न करना। नेक्स्ट जो हमारे पास, हम इसी को यूज करेंगे लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहां पर हम तो यहां पर पूरे मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, निस्सेंट ऑक्सीजन को, यानी कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या होता है यहां पर, जिस तरह आप लोगों ने पीछे एल्कीन में पढ़ा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक एल्कीन थी, तो जब उसको हमने KMnO4 के साथ वाटर की मौजूदगी में हमने इसका रिएक्शन करवाया था, तो क्या हुआ था कि ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट, यानी डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था, और यहाँ पर क्या हो गया था, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट हो गया थे। अब क्योंकि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट हुए हैं तो इनको हम लोग डाईओल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईओल। और इसका जो जनरल नेम हम लोग बात इसमें करते हैं वह है हमारे पास ग्लाइकोल या 1,2 डाई हाइड्रोक्सी इथेन भी इसको हम लोग बोलते हैं, या इथाइलीन ग्लाइकोल भी इसको बोलते हैं। तो जो उसका नाम आप इसको याद रखना चाहते हैं आप इसका नाम रख सकते हैं। अब इसमें साथ में MnO2 बनता था, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता था। इसमें इस टेस्ट को हम लोग यहां पर मैंने लिखा है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी कि जब आप लोग KMnO4 को इसके अंदर जहां पर भी अनसैचुरेशन होती है वहां उसके अंदर डालते हैं, तो इसकी मौजूदगी में क्या होता है, KMnO4 का एक पिंक कलर होता है, जो कि जब अगर तो वो डिसअपीयर हो गया, इसका मतलब ये है यानी कि वो डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि वहां पर अनसैचुरेशन थी, इसकी मौजूदगी में वो पर कलर क्या हो गया है, खराब हो गया है। अगर वहां पर अनसैचुरेशन ना होती, इसका मतलब सारे के सारे वो यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है, तो उसका जो पिंक कलर है वो डिसअपीयर नहीं होना था, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो जो है वो अल्केन यानी सैचुरेटेड है, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड नहीं है। तो ये हम लोग इसलिए हम यूज करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, या हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन एंड अल्काइन, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है। इसमें होता क्या है कि ये KMnO4 है, ये यूज होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीजें होती हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। कैसे, अब दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे कर रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पर KMnO4 में जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+4 में, यानी कि Mn+7 से Mn+4 में जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब खुद को रिड्यूस करना, और जिससे वो ले रहा है उसको क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि KMnO4 यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है, और इसकी क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह यहां पर हम लोग इथाइन को यूज कर रहे हैं KMnO4 के साथ, हम लोग एज अ नेसेंट फॉर्म के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन को जनरेट कर रहे हैं वाटर की मौजूदगी में। तो अब यहाँ पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे, यानी टेट्राओल बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सिल इसमें आ जाएंगे। ये क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा, इसके पास यहाँ पर लॉन पेयर भी होंगे, इसके पास भी लॉन पेयर होंगे, ये साथ में एडजेसेंट है, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये चीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल, ये अनस्टेबिलिटी शो करेगी, क्योंकि आपने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था, FSC पार्ट 1 के अंदर, कि जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी थी वो कहती थी कि लॉन पेयर आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉन पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रह सकता। फिर यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से वाटर की एलिमिनेशन होगी, ये H और ये OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हमारे पास OH और यहाँ से H यहाँ से निकलेगा, 2 मोल ऑफ वाटर के यहाँ से एलिमिनेट होंगे, तो ये यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहती है तो वो ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रहती है तो वो यहाँ पर क्या बना देगी, डबल बॉन्ड। अगर आप डबल बॉन्ड नहीं बनाते, सपोज करें यहाँ से वाटर निकाल दिया, यहाँ से वाटर निकाल दिया, तो क्या होगा, इस कार्बन की वजह से 1,2,3, इस कार्बन की वजह से 1,2,3, तो इस वैलेंसी को पूरी करने के लिए हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ता है, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ये देखें जरा इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को देखें जरा, ये क्या बना रहे हैं, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, COOH। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक डाई एल्डिहाइड बना चुका है, डाई एल्डिहाइड। ये हमारे पास ग्लाई, इसको हम ग्लाइऑक्सर भी बोलते हैं, जिस तरह उसको हम ग्लाइकोल बोल रहे थे, इसको हम लोग ग्लाइऑक्सर भी बोलते हैं डाई एल्डिहाइड को। इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होगी KMnO4 के साथ,
नेक्स्ट एंड ऑक्सीजन को हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच जो है इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पर आके, यानी कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। अब ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, वन एंड टू, सी डबल ओ एच टेकन ट्वाइस, इसको हम बेटा बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं जी, यानी जब भी हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। चैप्टर 8 के अंदर भी हम लोग बार बार इसको पढ़ रहे हैं कि जब भी हम किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो या तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, और हम उनकी जब ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहे हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम ऑक्सैलिक एसिड का नाम दे रहे हैं। इसी रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा सा यूं करके लिखूं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी मैं रिएक्शन करवाऊँ किसके साथ, इसी तरह मैं लिखूंगा टू वाटर के मॉलिक्यूल हैं, हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ के एम एन ओ फोर। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका होगा आर सी ओ एच सी ओ एच ओ एच ओ एच, और साथ में क्या लिख देंगे आप लोग, यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन। अगर मैं इस आर की जगह पर कोई भी यहाँ पर सी एच थ्री लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं इसकी जगह पर सी एच थ्री लगा देता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास वाटर एक निकलेगा, ये एच और ये ओ एच, यहाँ से भी ये हम लोग निकाल देते हैं जी ओ एच, और यहाँ से एच, तो क्या होगा जी, हमारे पास इसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच जी। तो इसके बाद जो हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है। हैलोजन एसिड क्या है, हमारे पास एसिड वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास प्रोटॉन को क्या करती हैं, डोनेट करती हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि एस सी एल जो है उसको जब आप वाटर के अंदर इलेक्ट्रोन आप लोग इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो वो हमारे पास एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होता है। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एसिड होती हैं। अब क्योंकि इनके साथ हैलोजीन लगा हुआ है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें हमको बोलते हैं हैलोजीन एसिड बोलते हैं, ठीक हो गया जी। तो इनकी हमने एडिशन करनी है अल्काइन के अंदर, तो किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इथाइन था, इसके अंदर हम एच पी आर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन एक के पास हाइड्रोजन ने चले जाने, दूसरे के पास ब्रोमीन, तो ये क्या होगा, इसके पास हाइड्रोजन आ गई, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो एक बॉन्ड इसमें खत्म हो गया डबल बॉन्ड, और इसके पास क्या आ गया, बी आर आ गया। तो ये जो हमारे पास इस तरह की जो हमारे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच आ जाए, इसको हम बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल। उसके साथ क्योंकि ब्रोमाइड लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे विनाइल ब्रोमाइड। ये याद रखना है आपने, ये हम नेक्स्ट बड़ा ही इसमें इस्तेमाल होने, ये विनाइल ग्रुप सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ग्रुप को हम विनाइल बोलते हैं। फिर अगेन हमारे पास इनका इसमें क्योंकि अनसैचुरेशन है, एक एच पी आर और ऐड होगा। मार्कोनी रूल के मुताबिक, मार्कोनी रूल ये कहता था कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कोई हो, उसको हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर ऐड करें, तो क्या होगा, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसमें पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, और जो नेगेटिव पार्ट उसमें जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगी, कम होंगे। अब मार्कोनी रूल के मुताबिक देखें तो इस ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये एक ये है एक ये है, तो इस हाइड्रोजन को वहां पे जाना चाहिए जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन इसमें वन है और यहाँ पर इसके पास टू है, तो ये हाइड्रोजन किसमें आ जाएगी इधर, तो ये सी एच थ्री हो जाएगा, और ये बी आर फिर किसमें आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड और ये बी आर बी आर, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली देंगे तो वन टू, तो वन वन डाई ब्रोमो और ये वन और वन टू है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इथेन बोल रहे हैं। इसी को हम यहाँ से इसके साथ प्रश्न करते हैं, ये हमारे पास वन प्रोपाइन है या प्रोपाइन है, इसके अंदर हम एच बी आर को ऐड कर रहे हैं, उसी तरह ही हमारे पास इसके अंदर भी हम मार्कोनी रूल के अंदर क्या करेंगे जी, मार्कोनी रूल के मुताबिक हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसमें पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होंगी, तो किसके पास जाएगा, इसके पास या इसके पास, ऑफकोर्स यहाँ पर आएगा, तो बी आर फिर किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री, ये वही ऐसे हम लिखेंगे सी, इसके पास हाइड्रोजन आ गया, ये वाला सी एच के पास हाइड्रोजन आ गया, और इस बी आर ने कहां पे आ जाना, इसके पास आ जाएगा बी आर और डबल बॉन्ड सी एच, एक बॉन्ड इसमें खत्म होगा। अभी तक अनसैचुरेशन है, एक और मेरे पास मार्कोनी रूल के बाद कंडीशन होगी, अब डबल बॉन्ड में अभी तक भी हाइड्रोजन इसके पास जाना, तो ये हाइड्रोजन ने इस कार्बन के पास जाना है और इस बी आर ने इस कार्बन के पास आना है, तो ये कार्बन के पास इस कार्बन के पास ब्रोमीन आ गया और इसके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो इसको हम लोग क्या नंबरिंग अगर देंगे, वन टू और थ्री, इसका क्या होगा जी, टू टू
डाई ब्रोमो तो 1, 2, 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, तो 2, 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। और लोग आपको ये जो तीनों मेथड जो है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजिन और एडिशन ऑफ हैलोजिन एसिड, ये इजीली अंडरस्टैंड हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन हम करेंगे, जो पेपर बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एडिशन ऑफ वाटर।